कश्मीरी और सिख अलहदगी पसंदों की जासूसी, जर्मनी में रिहाइश पजीर मियाँ बीवी रॉ के एजेंट निकले। भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाले जासूस जोड़े पर जर्मनी में ट्रायल शुरू हो चुका है। बीजेपी हुकूमत के सर पर भारत के टुकड़े होने का खौफ सवार है और बैरूने मुल्क भारतीय शहरियों की जासूसी के लिए नई दिल्ली सरकार ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की खिदमत हासिल करनी, जिससे बैरूने मुल्क मुकीम कश्मीरी और सिख कम्युनिटी की जासूसी शुरू कर दी है। इस बात का इंकशाफ जर्मनी में गिरफ्तार सिख मियाँ बीवी की गिरफ्तारी पर हुआ, जिन पर इल्जाम है कि वो कश्मीरी और सिख अलहदगी पसंदों की जासूसी करके रॉ को रिपोर्ट कर रहे थे। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट के हाई रीजनल कोर्ट में रॉ के मुबैना एजेंट्स के खिलाफ ट्रायल शुरू हो चुका है। 50 साल मनमोहन सिंह और 51 साल कंवल पर कश्मीरी और सिख अलहदगी पसंदों की जासूसी का इल्जाम साबित होने पर भारतीय जोड़े को 10 साल कैद की सजा हो सकती है। जर्मनी में शहरियों की जासूसी को एक संगीन जुर्म करार दिया जाता है। भारतीय शहरी मनमोहन सिंह जर्मनी में भारतीय कॉन्सुलेट में तैनात था, जिसने 2015 में रॉ के लिए जासूसी शुरू की, जबकि उसकी बीवी कंवलजीत ने जुलाई 2017 से यह काम शुरू किया। और सिख ऑपोजिशन और कश्मीरी अलहदगी पसंदों की मालूमात के बदले में उन्हें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से भारी रकम मिली।